Hey guys, welcome to T-Vlogs. और आज के व्लॉग में आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट. बेसिकली इस व्लॉग में आप देखेंगे डिफरेंसेस. तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे पार्टी करते हैं और जब अपने फैमिली के साथ होते हैं तो कैसे पार्टी करते हैं, तो ये दो चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगी इस व्लॉग में. सो अभी चलते हैं. आज वैसे अनुज की बैचलर पार्टी है और डीएम का बर्थडे है, सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट ऑल टुगेदर. एंड कल मेरे मतलब पापा का बर्थडे है, सो हम वो सेलिब्रेट करेंगे. तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स के साथ कैसे पार्टी होती है और फैमिली के साथ कैसे होती है. गाइस, अगर तुम्हें याद हो तो 20 दिन पहले हम गए थे अनुज के भाई की शादी में. अनुज ये लड़का है अनुज जिसके भाई की शादी में हम गए थे 20 दिन पहले. और अभी हम लोग एक लास्ट पार्टी, किसी थी लास्ट पार्टी परम की हम लास्ट पार्टी, आपको याद होगा हम रिसॉर्ट गए थे जहाँ इसका कुछ लोचा चल रहा था. तो वो लोचा ये था कि इस भाई की होने वाली है शादी, जो कि भाई बर्बाद हो गया. साले अच्छी लड़की मिली है तेरे को, ठीक है ना? मैंने पसंद करी है तो भाई, ढूंढी है भाई, ढूंढी है. तो मेहनत भी लगी है भाई. हाँ, तो ऐसे नहीं बोलते बर्बाद हो गया. स्ट्रगल थोड़ी जल्दी हो रही है कोई ना, लेकिन सही टाइम पे तेरी शादी हो रही है. नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बेटा मेरे माँ बाप देखेंगे बोलेंगे तू भी शादी कर ले. बट यार मतलब ये ना बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि 20 दिन इसके भाई की शादी में गए हैं. जब हम पार्टी में गए हैं वहाँ पे बस चल रही थी कि लड़की के मम्मी पापा इससे मिलेंगे, इसके भाई मामा लड़की से मिलेंगे. बट हमें लग रहा था 2 साल तो मतलब होगा. मुझे भी था कि अभी रोका कर देंगे, उसके बाद होगा कि भाई 2 साल में शादी कर लेंगे, लड़का अब तक टाइम मिल जाएगा, सेटल हो जाएगा. बट ना, लड़की के घर वालों को इतना पसंद आ गया हमारा अनुज. अभी के अभी ये इतना पसंद, मतलब पसंद आने लायक इसमें कुछ है नहीं, बट पसंद आ गया. पता नहीं बैंड क्या आ गया ये. मतलब मैं बता रहा हूँ, इसकी वाइफ का नाम है सीमा. तो सीमा की कन्विंसिंग पावर है, मतलब देख रहा है वो अच्छी मार्केटिंग वाली बन सकती है. अच्छा, सेल्स पर्सन. ओह माय गॉड, कुछ भी बेच सकती है. उसे को बेच दिया भाई. तो जिसको नहीं पता हो ये हमारी लव मैरिज हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल. हां, इंटरकास्ट जो देख रहे हो जिनकी जिनका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड वगैरह है ना, तो गाइस पार्टी वाले दिन भी रो ही रहा था. मतलब रो क्या रहा था, बहुत टेंशन में था, स्ट्रेसफुल था. और अब देखिए अब सब अच्छा हो रहा है, अब मजा आएगा, अब हम इसकी शादी में जाएंगे. मेरी लव मैरिज जबरदस्ती हो रही है. तो देखिए सितंबर में होगी लड़के की शादी, 12 सितंबर की शादी है. अभी सब आना, सब आना, मेरी तरफ से इनविटेशन है, सबको आना है, खाना भरपूर है, टेंशन नहीं है. बहुत बढ़िया होता है. हाँ जी, इतने लोग आ जाओ वहाँ खाना कम पड़ जाए. एड्रेस देंगे नहीं, एड्रेस देंगे नहीं, इनविटेशन दे रहे खुद दूंगा. यार इतनी गाली मत दिया करो, मुझे बीप करनी पड़ती है सारी, मेहनत नहीं लगती है. गाली मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मुंह से निकल. पापा मम्मी ये देख लो, ये अंकल मैं आपके नक्शे कदमों पे हूँ. अब हो कौन आया? ये देखिए ये बंद हो गया. अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, उसके बाद हम लोग करेंगे बहुत सारी मस्ती और फिर मैं आपको कुछ और भी बताता रहूंगा. चलिए अभी चलते हैं, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है. आई वांट टू डांस, आई वांट टू गो क्रेजी, आई वांट टू डू एवरीथिंग. चलिए देखिए, मैंने एक खुशखबरी तो आपको बता दी कि अनुज की हो रही है शादी, 12 सितंबर की शादी है. बट एक ऐसी छुपी रुस्तम निकली जो आजकल मेरे कंटेंट मतलब मेरे चैनल की जान आन बान शान बनी हुई थी, बट अब वो भी शहीद होने वाली है. और वो है आप सबकी फेवरेट नैना. मतलब नैना का तो शौक था, एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है रोका फाइट. हमें लगा मजाक कर रही है लड़की, मतलब प्रैंक करने लग गई है. चुप हो जा, खुद पसंद किया तूने. इसकी भी ना लव अरेंज है, मतलब ऐसी कुछ है. इट्स अरेंज, मतलब इसकी कहानी तो लव हो नहीं पाई यार. अच्छा है, नहीं हुई. बाकी ना इसकी मैं स्टोरी बताऊंगा, अभी बताऊं या बाद में बताऊं? थोड़ी देर बाद में है ना, बाद बताऊं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब तुम सुनोगे ना. मेरे को तो जब इसने बताई ना अपनी स्टोरी, मुझे सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल याद आया. मैंने तो पूछा नैना तू आर यू श्योर अबाउट इट, तूने सब कुछ जानकारी ले ली? कहती हाँ हाँ यार सब होगा. फिर जब इसने बताई ना एक दो चीज़ें, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सेफ हैंड्स में जा रही लड़की, वरना हम बड़े इनसिक्योर हैं नैना को लेके. भाई देखिए ये अगर वो लड़का भी ब्लॉग देख रहा है तो देखिए भाई, अगर कुछ भी हरकत करी
17 लोगों का ग्रुप है अपना, सारे आ जाएंगे है ना भाई? देखिए हमारे ग्रुप में ना एक और लड़की है जो बड़ी संस्कारी सुशील है, जिससे मैंने आपको कभी मिलाया नहीं है क्योंकि ये पार्टी शार्टी थोड़ा कम करती है। ये मतलब ऐसी लड़की है, बहुत घरेलू, बहुत संस्कारी, घर पे ही पैग मार के सोने वाली। देखिए ये होता है मोस्टली आप पार्टी में जाओ तो देखो लड़को लड़के ऐसे होते हैं कि लड़के ना कभी ना छेड़ देते हैं, बट हमारी लड़की ऐसी है जो लड़कों को छेड़ती है उसके बाद कहती है लड़का मुझे छेड़ रहा है। अभी इसने मुझे बोला पार्टी में इतने बदतमीज दोस्त है मेरे लिए कुछ नहीं करता भाई, क्योंकि पूरा इसलिए कह रही मेरे लड़का ढूंढ दो। अबे मैं पूरा भरोसा है कि यही छेड़ रही है, अभी मेरे को बोल रही पार्टी में ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। मैं चुम्मी झूठ मत बोल तू तो छेड़ रही है। फिर कह रही हाँ यार मैं ही छेड़ रही थी। इसका नाम चुम्मी है वैसे, चुम्मी बहुत टाइम बाद आप इसे देख रहे हैं, आप शायद अनुज की शादी में ही दिखे आप। चुम्मी कोशिश करेंगी। हाँ जी तो अभी ये नहीं आ रही, ये बहुत ही घरेलू लड़की है। ये देखिए अभी एक और आई खर्चा बचाने के लिए, ये माँ बनने वाली है। ये लड़की माँ बनने वाली है, ये हम सबसे एडवांस है। हम शादी करके बनाई, बिना शादी करके बनी नहीं है। तो मेरे घर वाले देखते कहेंगे कैसा फ्रेंड सर्कल है, कोई माँ बन रहा है, कोई बाप बन रहा है, कोई गांजा फूंक रहा है। मुझे नहीं पता। हाँ तो बस अब चुम्मी जा रही है, अभी लेट नहीं हो रही, अभी 9 ही बजे और 9 बजे चुम्मी पार्टी छोड़ के जा रही है। बाय चुम्मी, इसके लिए इट्स टू लेट। एक बार चुम्मी तो करते सबको जो ब्लॉग देख रहे हैं, बाय। ये देखिए मनीषा जो ढूंढ रही है एक लड़का, अगर कोई एलिजिबल लड़का है तो प्लीज कॉमेंट कर दीजिए। ये रही निधि जो ढूंढ रही है लड़की, अगर कोई एलिजिबल लड़की है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए। इसे लड़का भी चाहिए लड़की भी चाहिए, शीज इनटू थ्रीसम। तो गाइस आई नो कि तुम लोग बहुत ही उत्सुक हो गए नैना की स्टोरी जानने में, तो अब मैं नैना को ही फ्रेम में डाल दूंगा और नैना पूरी अपनी स्टोरी बताएगी। हाय, इट्स टू हॉट। So it's like we met in a carpool and we didn't talk much. मतलब ठीक है, कोई बात ही नहीं थी, नंबर एक्सचेंज हो गए थे ग्रुप में, ठीक है। So after 3-4 days he like pinged me कि hi, I've seen you somewhere. I was like in line मारा चल। And ठीक है, मुझे move on करना था anyhow. तो मैंने बात करनी start करी धीरे धीरे, then he went to US. और फिर हमारी बात स्टार्ट हुई। मैंने बोल दिया है भाई मैं तेरे से सिर्फ मूव ऑन करने के लिए बात कर रही हूँ और कोई इंटेंशन नहीं है। एंड विद इन 15 डेज ही लाइक मुझे शादी करनी है यार आपसे। आई वाज लाइक ओह माय गॉड। तो मैंने बकचोदी में धीरे धीरे एक महीने में हाँ कर दी, ठीक है। फिर घर पे बात हुई, मेरे घर पे बात हुई, घर वाले मान गए, मतलब एक दूसरे से मिले, मैं उसके घर वालों से मिली, एंड देन वो यूएस से वापस आया और फिर हमारा रोका हो गया। बट पता है क्या, जब मुझे नैना ने बात कही ना मैं बहुत डर गया और मैंने नैना को कॉल किया। मैंने कहा नैना तू क्या कर रही है, आर यू श्योर कि तू इस रिश्ते के लिए मतलब खुश है? तो इसने बोला हाँ। इसने मुझे स्टोरी बताई, तो जैसे इसने मुझे स्टोरी बताई ना मेरे दिमाग में तो आ गया भाई वो जो स्कैम्स होते हैं ना शादी वाले, कि लड़की को लूट लेते हैं, ये कर लेते हैं और फिर कोई और लड़की होगी। मेरी ना लिटरली मेरी लिटरली फटी, क्योंकि देखो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। तो फिर जब इसने बताया ना कि मतलब लड़का रोहतक से है, तो ये रोहतक से है, तो लड़का रोहतक से ही और इसके जो ताऊ जी हैं वो उस लड़के के पड़ोसी हैं ना भी, तो उन्होंने सारी इंटेल दी इन्हें। तो तब मुझे थोड़ा हुआ कि मैंने हाँ, फिर मैंने कहा नैना को, नैना मैंने अब तुझे अप्रूव कर दिया कि अब तू शादी कर सकती है। एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, आई लव हिम। भाई यार देखो मतलब अपने फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और उनके बारे में कोई फालतू बोले, मेरे बारे में बोल दो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बोल दो यार, हर कोई बोलता है, कोई टेंशन नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ बोल देना, मैं मतलब फिर माँ बहन भाई भाई सब कर देता हूँ। yes, है ना नैना? हम भी यार। हाँ तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर नैना। और नैना की शादी दिसंबर में आई गेस? हाँ 11 दिसंबर। 11 दिसंबर में ऐसे मत बोल, 15-20 हज़ार लोग आ जाएंगे, तेरे माँ को बहुत भारी पड़ जाएगी शादी। बट देखिए सब तो नहीं आ सकते, बट हम ब्लॉग जरूर करेंगे और आपको पूरी शादी दिखाएंगे। yes, और काफी मजे आएंगे। अभी बहुत पसीने आ रहे हैं और हमें डांस करना है नैना। yes! yeah.
just getting started. I know that you want it, baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body, put on a show. Yeah, yeah, let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe down. Everybody going off in my hometown, ready for a showdown. Keep it on the low now, we about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. तो ये है निधि, आपने इसको भी बहुत कम देखा होगा व्लॉग्स में. तो बेसिकली हम लोग इसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी सी लड़की हो, हॉट सी. तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए जिसका होता हो. जी नहीं, सारे हम ट्रांसजेंडर नहीं ढूंढ रहे, हम लड़की ढूंढ रहे हैं. हमारी लड़की शरीफ है, बिल्कुल अच्छी लड़का जी, लड़का होता है. अरे चलो लड़का चाहिए, कोई नाखून भी नहीं है. ये दोनों कमीने, ऐसा कुछ नहीं है. तो आपने इसको शायद अनुज के भाई की शादी में देखा होगा. बट थोड़ा सा बट निधि, अनुज के भाई की शादी 20 दिन पहले ही हुई थी और अब इसकी शादी हो रही है. डेस्परेट लड़का है. ये लड़की बिल्कुल सच बोलती है और मैं इसको मानूंगा. ये बोल रहा है ना कि लड़की वाले मान गए, ये हो गया वो, ऐसा कुछ नहीं है. ये लड़का बहुत भरा हुआ है, इसको अपनी भड़ास निकालनी है. और जिस लड़की से शादी हो रही है ना, वो बहुत शरीफ है और वो समझ नहीं पा रही अभी इसको. तो उसने बोला है, उसने बोला मैं जो करूंगी शादी के बाद करूंगी. शादी कर ली भाई. जब जिसकी बंदी आईएएस हो, वो स्मगलिंग क्यों नहीं करेगा? कितना पैसा आएगा मेरे पे ये देखो. अरे देख, हम इतना मजाक करते हैं, ये करते हैं, बट आई वॉन्ट टू नो कि भाई कैसा लग रहा है. क्योंकि देख मैं तेरे को सीरियस बताता हूँ, आज मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है और कुछ टाइम बाद मेरे पेरेंट्स भी मुझे फोर्स करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई शादी कर लो. तो आई जस्ट वांट टू नो कि कैसी फीलिंग है. जनरली क्या है, देख एक साइड है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस चीज की, क्योंकि जिस लड़की से प्यार करता प्यार करता उससे मेरी शादी हो रही है. हमें 3 साल का स्ट्रगल था जो कहीं ना कहीं आज रंग लाया है. दूसरा पार्ट आता है कि अभी यार मैं इतना स्टेबल नहीं हुआ हूँ कि मैं दो बंदों का खर्चा उठा सकूँ. ठीक है, अभी तक मैं इनसे उधार मांग के खाता हूँ, सही बताऊँ तो. बट हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि भाई देख, दोस्त के लिए कुछ भी. हाँ. एक बार एक टाइम था जब इसने बोला भाई भाग के शादी करनी पड़ेगी, क्या तुम भागोगे? मैंने कहा यार देवर लाइक हम वहाँ खड़े डंडे खाने पड़ेंगे, खा लेंगे यार स्पोर्ट्स शूज खरीद लेंगे 20-25 बंदे हैं, क्या एक ही डंडा हाथ में आएगा, सॉरी पीछे आएगा. ऊपर से बात ये है कि देखो हमारे ग्रुप में जो लड़कियां हैं वो स्लो भागती हैं, तो वही डंडे खाएंगे सारे, हम तो बचेंगे. इस स्टोरी का मोरल यही है, मैसेज दूं कि भाई जो किसी से प्यार करता है बस उसे चिपके रहो, हार मत मानना गाइस. yes. कुछ भी हो. yes. मैंने हार नहीं मानी, मेरी गर्लफ्रेंड ने हार नहीं मानी, एंड नाउ वी आर गेटिंग मैरिड, दैट्स इट. बट अनुज यार मेरे को कोई टिप दे, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और मुझे घर वाले फोर्स करेंगे शादी करने के लिए. भाई तेरे को शादी करनी नहीं है. एग्जैक्टली मुझे लिविंग रिलेशनशिप में रहना है, बट घर वालों को कैसे कोई समझाए? पहले थोड़ी मम्मी के पास जा, मम्मी से बात कर, देन मम्मी जो है वो पापा को समझा सकती है कि मम्मियों के पास पावर होती है. मैंने अपनी मम्मी से बात कर दी, डायरेक्टली बताऊँ. देखो यार आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है. आई विल टेक सम टाइम क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करने हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ आई लिव I guess arranged marriage में वो नहीं justify होता. I guess आज के time में arranged marriage worth ही नहीं. So I will try to do love marriage, but I don't know. But to be honest, मुझे लगता था कि अनुज की शादी बहुत बाद में होगी, नैना की शादी बहुत बाद में होगी, बट आई एम वेरी शॉक कि इन लोगों की शादी सबसे पहले हो रही है. सो अब जिसकी भी शादी होगी इन दोनों के बाद, आई विल बी वेरी शॉक. क्योंकि भाई चलो ठीक है इन सब की शादी हो रही है, बट अगर परम की शादी हो गई मेरे से पहले तो मेरे घर वाले मेरा जीना हराम कर देंगे. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड सम गर्लफ्रेंड, क्योंकि I also want to get married. भाई ये सिंपल कह रहे हैं, गर्लफ्रेंड चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लो. परम ये बता तेरे को कैसे लग रहा है नैना की शादी? नैना की शादी हो रही है ब्रो. दिल के अरमा आंसू में. परम को लग रहा था परम के साथ शादी होगी, मेरे को लग रहा था मेरे साथ शादी होगी, जप्पो को लग रहा था जप्पो के साथ शादी होगी. बट नैना धोखे बाद कह रही है मेरी साथ होगी. नैना ने 3 लोगों के दिल तोड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं कितनों के कितनों के. Sorry guys. पर नैना कैसे लग रहा है, अपनी शादी हो रही है? मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ी नर्वसनेस है. नहीं नैना सब कुछ छोड़ो, अपने हस्बैंड के बारे में डिस्क्राइब करो.
हस्बैंड मेरा सुपर कूल है, बकचोद है, एक नंबर का। बट टू बी ऑनेस्ट हम लोग बहुत खुश हैं नैना के लिए। बिल्कुल। आई थिंक इसने बहुत सही डिसीजन लिया है। यस, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ एंड वी टोटली सपोर्ट हर। यस। और नैना की शादी में मजा आ जाएगा। यस, बहुत मजा आएगा। नैना खुश है, बहुत अच्छी बात है। नैना बेचारी, नैना को बहुत अपसेट देखा है कई हफ्तों से, कई महीनों से हमने, पांच हफ्तों में हमने बहुत इसी बात पे जब और नैना की किस हो जाए। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, हम जा रहे हैं। हाँ, तो गुड मॉर्निंग है, जब जागो तब सवेरा। आज पापा का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो हमने पापा के लिए शर्ट्स ले लिए हैं और वो जीजू ने पकड़ी हुई है, दिखाइए ये। तो एक इन्होंने लिया, एक मैंने ले ली। मतलब देखो, वो तो किस्मत की बात होती है। तू भी तो कुछ काम नहीं करती, तू भी तो अपने सास से सारा काम कराती है। नहीं, वो कुछ बोल रही है, नहीं बोल रही ना। पहले आप अपने अपने गिरेवान में जाकर देखिए, उसके बाद दूसरा के चरित्र पे लाशन लगाइए। मतलब अच्छी नहीं होती है, मेरा राज योग है मेरा। पापा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। A few moments later. तो हम लोग आ रहे थे डिनर करने, बट रास्ते में ही कुछ मतलब हो गया। क्या बताना चाहेंगे आप, क्या हो गया? नहीं, बस कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट आई है। हाँ, तो इट्स ओके फाइन। बट प्रॉब्लम वही है कि जब भी दक्ष निकलता है ना इस मोटिव से कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगा ना, उसने कुछ कुछ ना कुछ पनौती होती है ना। ये कौन सी पनौती नंबर 4 है शायद, पता नहीं 4 या 5 होगी। जब दो बार पंकज के साथ हुआ है, एक बार परम के साथ हो गया है ना, और एक बार हमारे साथ हो गया। हाँ।